हम स्टार्ट करते हैं और हम 19 चेन बना लेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह और 19। 19 चेन बनाने के बाद दो चेन को स्किप करके तीसरी चेन में डबल क्रोशे बना लेंगे। एक, दो, तीन, ऐसे ही आगे लास्ट चेन तक डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। और जो हमने चेन तीन दो छोड़ी थी और तीसरी चेन में बनाई, वो चेन भी हम गिनेंगे। उसको गिन के पूरे डबल क्रोशे यहाँ एंड तक बना लेंगे हम। ये देख सकते हैं, ये पूरा लाइन ख़त्म कर दिया है। ये पूरा लाइन ख़त्म करते हुए हमारे ये फर्स्ट वाला भी हमें गिनना है। और ये फर्स्ट वाला गिनते एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह और अठारह डबल क्रॉस होंगे। 17 डबल क्रॉस हमने बनाए और ये फर्स्ट वाला जो चेन छोड़ा उसको भी हम डबल क्रॉस से गिनेंगे। अब हम तीन चेन बना लेंगे। एक, एक, दो, तीन। तीन चेन बनाने के बाद उल्टा कर लेंगे। फिर से हम जो चेन बनाई ये लूप में नहीं करेंगे, उसके बाजू वाले लूप में डबल क्रोशे बनाएंगे और सभी में दो दो डबल क्रोशे बनाएंगे। दो सभी चेन में दो दो बनाते जाइए। एक, और ये सेम लूप में दूसरा डबल क्रोशे ऐसे एंड तक बनाते जाइए। और ये फर्स्ट वाली जो तीन चेन ली है उसको भी हम एक डबल क्रोशे गिनेंगे और लास्ट तक बनाएंगे। तब ये लास्ट चेन जो बचेगी वो लास्ट चेन में भी हम सिंगल ही बनाएंगे डबल क्रोशे, दो नहीं बनाएंगे। ऐसे कंटिन्यू हम बना लेते हैं आगे तक। ये आप देख सकते हैं मैंने पूरा कर लिया है, पूरा डबल क्रोशे। ये सिंगल चेन हम गिनेंगे, ये सिंगल लूप में ये दो तीन चेन बनाई हमने वो एक डबल क्रोशे गिनेंगे हम। और सभी में दो 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 डबल क्रोशे डबल क्रोशे बनाते बनाते एंड में दो बनाया है और जो लास्ट वाली लूप है उसमें एक सिंगल डबल क्रोशे बनाया है। ऐसे ही पूरा बना लेंगे। अब थ्री चेन बनाएंगे हम। तीन चेन बना लीजिए, फिर से उलट दीजिए उसको और ये वाली जो लूप है उसको छोड़ के बाजू वाली जो लूप है उसके अंदर एक डबल क्रोशे बनाएंगे। इस लाइन में भी हम इसको एक डबल क्रोशे ही गिनेंगे और ये एक डबल क्रोशे बनाया, मतलब दो हो गए। ये तीसरा डबल क्रोशे हो गया हमारा। अब चौथे डबल क्रोशे में हम चौथे लूप में हमें दो डबल क्रॉसे बनाने हैं। एक और ये दूसरा दो। फिर से हमें तीन डबल क्रॉसे बनाने हैं तीन चेन में। ये एक, दो और ये तीन। ये तीन बना लिए। उसके बाद चौथे लूप में दो डबल क्रॉस से बनाने हैं। एक,
और ये दो, ऐसे ही पूरे एंड तक बनाते जाना है। तो हम बना लेते हैं पूरे एंड तक, फिर मैं दिखाती हूँ कैसा दिखता है। देख सकते हो ये लाइन भी कंप्लीट हो गई है। और ये पूरे डबल क्रॉस से गिनोगे तो आप 40 हो गए, 40 हो गए। अब हम फिर से तीन चेन बना लेंगे, पलट देंगे और ये लूप को छोड़ के बाजू वाली ये लूप में डबल क्रॉस बना लेंगे। तीन गिनेंगे, इसको भी एक डबल क्रॉस गिनेंगे, 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6। 6 डबल क्रॉस बनाने के बाद हम 7 लूप को स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे उसको, 1 2 3 4 5 6 और 7, 8वें लूप के अंदर डबल क्रॉस बना लेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, ये देख सकते हैं हमने 14 डबल क्रॉस से बनाया है। अब हम फिर से 7 लूप स्किप कर देंगे, उसको छोड़ देंगे, 7 लूप को, 1 2 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8वें लूप में डबल क्रॉस से बना लेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो आप देख सकते हो पूरा कान्हा जी की चोली चोली का लुक आ गया है। ये स्लीव्स हो गई है हमारी, देख सकते हो आप, पीछे 14 डबल क्रॉस है, आगे 6 और ये 6, ये कान्हा जी की पूरी चोली हो गई है। अब हम आगे बनाएंगे, तीन चेन बना लेंगे, पलट देंगे और ये लूप चेन वाली लूप को छोड़ के ये दूसरी लूप में डबल क्रॉस बना लेंगे। ऐसे ही कंटिन्यू लास्ट तक एक 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 डबल क्रॉस बनाते जाना है, सभी लूप के अंदर एक एक डबल क्रॉस बनाना है। ऐसे डबल क्रॉस से एंड तक पूरा यहाँ तक बनाते जाइए, देखते हैं अब लास्ट तक बनाने के बाद। ये देख सकते हैं पूरी रो कंप्लीट हो गई है हमारी। अब हम यहाँ पे जॉइन कर लेंगे, यहाँ की जो फर्स्ट चेन है उसके अंदर से सब स्टिच ले लेंगे। फिर से एक चेन बना लेंगे,
और सभी चेन के अंदर सिंगल क्रोशे ले लेंगे। ऐसे इसी तरह सभी चेन के अंदर पूरे सर्कल में, पूरे सर्कल के अंदर एंड तक सिंगल क्रोशे ले लेंगे। देख सकते हो आप, ये देख सकते हैं पूरी चोली हमारी रेडी हो गई है सर्कल में। ये पूरा ले लिया है मैंने, देख सकते हो कितनी सुंदर दिख रही है चोली। अब नीचे घेरा बना के पूरा फ्लावर शेप में, कोई भी शेप में आप अच्छे से कान्हा जी का फेस रेडी कर सकते हो। अगर आपको ये बॉर्डर भी करनी है तो कर सकते हो, पर मुझे ऐसे ही रखनी है, देख सकते हो। तो ये हमारी कान्हा जी की चोली रेडी है। ऐसे ही आप अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो वो कमेंट में ज़रूर दिखाएं और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।